अभी यहाँ पे X6 डिवाइस के अंदर पिक्सल ओएस का एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, जिसके बैक टू बैक दो अपडेट आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ कैसे देखने को मिलते हैं उसकी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये रोम पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जब ये रेगुलर अपडेट आया करता था ना, तो सबका वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट ओएस हुआ करता था, क्योंकि इसमें आपको स्मूथनेस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता था। तो क्या वही सारी चीज़ें आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है या नहीं, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। बस लास्ट तक वॉच करना है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। लॉक यहाँ पे आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता। फिंगरप्रिंट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपका जो प्रॉपर वर्किंग रहता है। हाइपर का यहाँ पे डिफॉल्ट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, तो कैंपस रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग का यूजर इंटरफेस काफी सही और सिमिलर है बाकी रोम जैसा, स्मूथनेस काफी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अबाउट सेशन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 15 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कर्नल डिफरेंट यूज किया गया है, बिल्ड नंबर वगैरह देखने को आपको मिलता है यहाँ पे। साथ साथ बैक की आते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी, डिजिटल लोकेशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है। जहाँ पे आप देखोगे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट दोनों दिए गए हैं, यहाँ पे इनहेंस पिन प्राइवेसी है, ऑटो कन्फर्म का ऑप्शन है, स्क्रैम्बल लेआउट, क्विक सेटिंग और पावर मेनू जो कि लॉक स्क्रीन पे एक्सेस नहीं होगा आप इसे कंट्रोल करते हो तो। साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट स्पेस और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह के ऑप्शंस है, इग्नोर विंडो सिक्योर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड रहता है तो इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम, जहाँ पे बेसिक से आपको सेटिंग मिल जाते हैं जस्टर्स के अंदर, जैसे कि बैक टैप का, ओपन कैमरा, नेविगेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और हाँ यहाँ पे सर्कल टू सर्च दिया गया है जो कि आपका प्रॉपर काम करता है, तो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। लेफ्ट टू चेक का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट है, ऑलवेज ऑन फिंगरप्रिंट है, किक टॉर्च वगैरह और प्राइवेट रिंगिंग भी आपको मिलता है। अपडेटर दिया गया है यहाँ पे, साथ साथ सिस्टम डायग्नोसिस आज के टाइम पे सभी एंड्रॉइड 15 में ऐड होने लग गया है, तो ये हर जगह आपको दिखाई देगा हर रोम के अंदर। बाकी रिसेट का ऑप्शन है और बाकी वही सिमिलर से ऑप्शन आपको मिलते हैं। बैटरी के अंदर आपको मिल जाता है चार्जिंग कंट्रोलर, जहाँ से आप परसेंटेज वगैरह सेट कर सकते हो कि कहाँ पे लिमिट लगनी चाहिए। फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है, बट किस तरीके से फास्ट चार्ज करता है उसका टाइमिंग मैं आपको दिखा दूंगा। और ये है प्रोफाइल, जहाँ से परफॉर्मेंस वगैरह आप बूस्ट कर सकते हो, और मैंने थोड़ा बूस्ट करके चेक भी किया है जो कि टेस्ट रिजल्ट में आपको नजर आएगा। अनदर यहाँ पे विजेट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे बैटरी में नहीं दिया गया। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर हम इन करते हैं तो यहाँ पे आपको AI वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से खुद से वॉलपेपर आप जनरेट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो जो कि काम करता है, या फिर आप चाहो तो ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। बाकी लॉक स्क्रीन पे आपको डिवाइस कंट्रोल, शॉर्टकट, डायनेमिक, ऑलवेज ऑन, ऑलवेज फिंगरप्रिंट ऑन और एम्बिएंट वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे होम के अंदर आपको देखने को मिलता है कलर वाला और ग्रिड का ऑप्शन, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं मिलता। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस काफ़ी सही तरीके से काम करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। डार्क मोड के अंदर आपको प्योर ब्लैक मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोग इसे प्रीफर करते हैं। बाकी यहाँ पे आइकन मैनेजर में बॉटम पे आप है जो बैटरी के स्टाइल वगैरह में थोड़ा बदलाव ला सकते हो कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ टाइमिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डाउन शो वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मिनट सेकंड वगैरह भी, और बाकी अदर ऑप्शन आपको मिलते हैं। अनदर रोटेशन का ऑप्शन है, टैप टू स्लिप है, 120 आप इनेबल कर पाओगे, पर एफ का रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले सैचुरेशन का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे हाई टच रिस्पॉन्स भी ऐड करा गया है, तो इसका भी बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। अनदर ये जो मोड है फोकस मोड के रूप में काम करता है, जहाँ पे आपको जो डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर है जो कॉलिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे ऐप्स के भी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शंस भी कंट्रोल कर पाओगे, और डिस्प्ले से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि डिम, वॉलपेपर, डार्क मोड वगैरह, तो इसका बेनिफिट आप ले पाओगे। और ये पर्सनली मैं यूज करता हूँ अपने 24 अल्ट्रा में, जहाँ पे मेरे वेट टाइम सेट को ऑटो इनेबल डिसेबल करता रहता है, और आप चाहो तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हो अपना, तो काफ़ी सही ऑप्शन है। अनदर आता है साउंड का प्रोफाइल, जहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करा गया है साउंड के मामले में। और कुछ लोग एक कमेंट आए थे कि भाई कस्टम रोम में थोड़ा साउंड का इशूज रहता है, तो आप साउंड सुना दिया करो जिससे हमें एक प्रॉपर आइडिया लग जाए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे साउंड प्ले करके सुनाता हूँ, और कोशिश करूँगा कि एवरी रोम रिव्यू में मैं आपको जो थोड़ा बहुत जो ऑडियो क्वालिटी भी सुना दूँ। तो यहाँ पे मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ और आप सुनना कैसा आपको आउटपुट मिलता है। तो आपने सुन लिया, आई होप कि इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा। एवरी टाइम मैं सेम टाइप का म्यूजिक रखूंगा जिससे आपको आइडिया लग पाए कि पिछला रूम कैसा था, अगला रूम कैसा है, आने वाले रूम में क्या क्या चीज़ें रहेगी, डिफरेंट आपको जो पता चलते रहेगा। तो एक ही टाइप का म्यूजिक मैं हमेशा ऐड करने वाला हूँ जिससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके।
नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री और ये जो कूल डाउन का ऑप्शन दिया गया ना नोटिफिकेशन का, ये काफी बेनिफिट वाला है जो कि हर एक रोम में देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने बहुत सारे रोम में बताया इसके बारे में, तो बार बार रिपीट करने से अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये ऑप्शन मिलता है जो कि आपकी हेल्प करेगा जब बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऐप्स जिसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्लोन वगैरह का काफ़ी हद तक सिंपल रखा गया है, और नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो ये सारे बेसिक से आपको सेटिंग मिल जाते हैं जो कि एवरी टाइम पहले भी पिक्सल ओएस में हुआ करते थे और अभी के टाइम पे भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कैमरे का आइकन बस चेंज है, बाकी सब कुछ का आइकन सिमिलर देखने को मिल जाता है। स्मूथनेस यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा है जो देखने को मिल जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है वो देखते हैं। और टॉर्च के अंदर यहाँ पे परसेंटेज भी ऐड किया गया जिससे आप जो अपना ब्राइटनेस वगैरह कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे कई सारे और ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आप अपने नीड के हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज में ला पाओगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब रही बात यहाँ पे रिजल्ट्स क्या कुछ आते हैं टेस्टिंग के, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने चार्जिंग पे डाला था जहाँ पे आप देखो 9 मिनट में 17% चला जाता है और यहाँ पे 14 मिनट में 24, जो कि फास्ट चार्जिंग ऑन करके है, ऑफ करके भी कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ये है नॉर्मल गीकबेंच स्कोर जो कि रोम डालने के बाद था, लेकिन उसके बाद जब मैं बैक टू बैक चेक करता हूँ थोड़ा स्टेबल हो जाता है रोम उसके बाद, तो आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन और इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देता है गीकबेंच के अंदर, जो कि काफ़ी सही है। वहीं पे आप देख सकते हो हमारा जो कि अनटूटो स्कोर है ये भी काफ़ी बेहतरीन रहता है, बट हाँ हल्का सा वार्म हो जाता है क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हीटिंग वगैरह तो देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 48 गया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे इसका पहला जो अपडेट आया था उसका ये वाला कंट्रोल सेंटर था, जो कि उसे चेंज करके अब नॉर्मल वाला कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इशूज वगैरह थे, ज़्यादा स्टेबल नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम मे बी स्टेबल हो जाएगा, तो जो डिफरेंट कंट्रोल सेंटर मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था वो आ जाएगा, बट अभी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो सीपीयू टोटल का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है, जो कि 4,21,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ 3,61,086 का परसेंटेज है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी शानदार है। वहीं पे कैमरा वगैरह हमारा काम करता है, मैंने जैसे ऐसे रैंडम फोटोज क्लिक किए कोई दिक्कत नहीं आई, डिवाइस आपका सर्टिफाइड रहता है इसमें नो इशूज। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पास है, बस थर्ड वाला हर एक रोम के अंदर फेल रहता है। साथ साथ L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा नो इशूज। अनदर यहाँ पे फोटो स्टोरेज अनलॉक दिया गया है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे गेमिंग के अंदर आपको जो स्ट्रीम प्लस का ऑप्शन मिलता है अल्ट्रा स्ट्रीम नहीं दिया गया, क्योंकि पिक्सल रोम में आपको वही डिफॉल्ट चीज़ें देखने को मिलती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं रहता, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, बट 90 भी काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको पसंद आएगा। और अगर ये वॉलपेपर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से आप निकाल सकते हो। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो वही ADB साइड लोड का मेथड आपको फॉलो करना है, एक प्रॉपर गाइड वीडियो मैंने दे रखा है ऑलरेडी, उसे आप देख लेना, इंस्टॉल कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। रही बात बैटरी ड्रॉप, तो भाई बैटरी ड्रॉप यहाँ पे आपको जो वही 3-4% का देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता, तो ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे सही रहती है। और यहाँ पे जो आपका बूट एनिमेशन है ना, वो जेमिनी का जो आपको म्यूजिक वाला एनिमेशन देखने को मिलता है ना, उसी से काफ़ी तक मिलता जुलता यहाँ पे देखने को मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हद तक सिमिलर वैसा ही है, बस लास्ट में जो ये जी एनिमेट करते हुए नजर आ जाता है और काफ़ी किक ऑन भी हो जाता है। तो सब कुछ यही था, आप अपना ओपिनियन जरूर बताना मुझे कमेंट करके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।